एक शहीद परिवार को जो राशि देकर प्रोत्साहन आप करते हैं उनके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। अभी मैं निवेदन करूंगा सुमेर सिंह जी का अनुरोध से कि आप मंच पर सजाए और बाहर से सजाए हुए ग्राम वासियों को शहादत के उपलक्ष्य में सिंह रेजिमेंट से ले से आया हूँ। दीपाराम जी की जितनी बार बताया जाए उतना शायद कम है। ये सनतरा गांव है को बहुत ही भाग्यशाली गांव है जिसमें दीपाराम जी जैसे नौजवानों ने जन्म लिया था। इनके बारे में आज भी हमारी नोट में मंदिर बना हुआ है, कारगिल में मंदिर बना हुआ है, हर जवान के ऑफिस में इनकी फोटो लगी है। हम जो भी कार्य करते हैं सबसे पहले दीपाराम जी का नाम लेके करते हैं। यूनिट से गाड़ी बाहर जाती है तो सबसे पहले दीपाराम जी को सलूट मारा जाता है, ड्राइवर नीचे उतरता है, उसके बाद आगे ड्राइवर लेके जाता है। ऑफिस में जो भी जवान जाता है सबसे पहले दीपाराम जी का नाम लेके उसके बाद ही ऑफिस खोलता है। और जो जवान नया पोस्टिंग आता है आते ही सबसे पहले दीपाराम जी के नाम से प्रसाद चढ़ाता है और भोग लगाता है। इसके बाद जो भी नौजवान छुट्टी जाते हैं चाहे अफसर हो चाहे जेसी हो चाहे जवान हो वो दीपाराम जी को भोग लगा के फिर भी छुट्टी जाते हैं। डेली सुबह जैसे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे चाय बनती है बेटी बनती है तो सबसे पहले दीपाराम जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद उसको जवानों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सेम खाने का है, सेम सब रूटीन है। भगवान के फोटो है इसके दीपाराम जी के जो हमारे मंदिर में मंदिर पेड़ होती है उसमें भी दीपाराम जी के नाम लिया जाता है। तो हम भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं। इस नतरा गांव को खुश होना चाहिए कि ऐसे नौजवान ने इस गांव में जन्म लिया था। इससे ज़्यादा 1971 में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो उनके साथी थे उनको भी उन्होंने अच्छी तरह से अवगत कराया था तभी आज उनको शहीदी का दर्जा दिया गया है। और आज भी वो ऐसे जिंदा है हमारे यूनिट में तो हम यूनिट में उनको भगवान के बराबर मानते हैं। थैंक यू। ले मैं जब से गया हूँ और जब से दीपाराम जी की मैंने गाथा सुनी है वहाँ पे हम उन्हें एक दिव्य पुरुष की तरह पूजते हैं। हम जो भी काम करते हैं अपना दिनचर्या का उनके दर्शन के बाद ही स्टार्ट करते हैं। और शहीद पूरे देश का होता है, वो किसी जाति या समाज से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। और मैं ग्राम सरपंच से उम्मीद करूंगा कि उनके नाम पे कोई स्कूल ताकि गए लोगों को उसके बारे उनके बारे में जानकारी हो, सेना के प्रति लोगों में प्रोत्साहन हो। जितना बड़ा उन्होंने काम किया है, अपने साथियों को बचाया है और अपनी कुर्बानी दी है, सेना उनका एहसान कभी नहीं भूलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब कोई हमारा यूनिट से कोई बंदा यहाँ आए तो उनके नाम पे या तो कोई स्कूल हो या फिर किसी मार्ग का नाम हो ताकि लगे कि सेना उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई है। उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया, उनके लिए उनका एहसान हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। आप सभी को एक बार फिर से राम राम, धन्यवाद।